सुबह टाइम बज रहा है कुछ 9 o'clock एंड आई गेस यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट रिलेट मैं क्यों वीडियोस नहीं बना रहा था. मैं स्टेटस पे तो काफ़ी पहले ही अपलोड कर दिया था कि आई वाज इन डेंगू एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल. दैट्स द रीज़न ओनली कि मैं कुछ वीडियो छोड़ो कुछ कर नहीं पा रहा था. लिटरली आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, लाइक माई बॉडी इज नॉट इन सेफ एंड मैं ऐसा फील कर रहा था कि मैं हूँ ही नहीं दुनिया में. ऐसा फील हो रहा था क्योंकि चारों तरफ पेन थे एंड आई वाज लिटरली पॉइंटलेस एंड मैं अकेला रहता हूँ तो कोई घर वाले भी नहीं थे मेरे साथ एंड देयर इज़ नो वन टू सपोर्ट मी. लिटरली यू नीड समवन हु कैन मेंटली सपोर्ट यू, बट द थिंग इज दिस कि आई एम स्टेइंग अलोन एंड दैट्स व्हाट द रीज़न कि मैं काफ़ी पेन से गुजर रहा था और मैं किसी को बता नहीं पाया कि क्या मैं क्या पेन से मैं गुजर रहा हूँ. बट यू गाइस आर देयर, यू गाइस आर आई मीन लिटरली सपोर्टिंग मी हार्ड एंड लेटिंग मी नो एंड फील कि मैं क्या वर्क करता हूँ आप लोगों के लिए. वो सब मैसेजेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो देख के, क्योंकि मेरा एक छोटा सा फैमिली तो बन चुका है. ये देख के मैं काफ़ी इमोशनल हुआ एंड यस अगेन आई एम बैक एंड आज से फिर से वीडियो बनेगा और आप लोग फिर से देख पाओगे चीज़ें. तो चलिए शुरू करते हैं अपना जर्नी एंड आप लोग को कुछ इंटरेस्टिंग अगर होता है तो आज दिखाता हूँ. टिल दैट हैव फन एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स. कीप सेंडिंग. खुद ही कर दिया ये आके, पता नहीं क्या है क्या रे क्या है. चल जा घूम जा. चीजें हो गई हैं ऐसी कि अभी ब्रश करूंगा उसके बाद मुझे निकलना है. क्या ही बोलूं मैं यार, इन्हें कुछ भी हो रहा है. तो यहाँ पे मैंने एक टाइम लैप्स क्रिएट किया है. आजकल तो धूप आता ही नहीं है और बीच में थोड़ा बहुत मोमेंट के लिए धूप आया था. सो दैट्स द रीजन कि मैंने एक टाइम लैप्स मोमेंट्स आप लोगों के लिए क्रिएट किया है. एंजॉय द व्यू गाइस एंड हैव फन. इसमें से उनमें से एक खास इंसान है जो काफ़ी कुछ मेरे लिए किया एंड ये सब उसने किया था. थैंक्स टू पबी जो जिसने मेरे को ला के दिया ये सब चीज़ें एंड एट द सेम टाइम जो इंसान मेरे को ये भेजा था, मैं उसका नाम नहीं ले सकता ब्लॉग पे, अदरवाइज आई वुड टेक इट एंड यस समवन इज देयर हु केक मैं खा रहा हूँ. आप लोग समझ ही सकते हो प्राइवेसी मेंटेन करना जरूरी है ब्लॉग में. सर कुछ तो नहीं बता सकता इसीलिए नहीं बता रहा हूँ एंड yeah. तुझे भी चाहिए. और ये मैं खा के निकल जाऊंगा बाहर, थोड़ा कुछ काम है वो सब आप लोग को दिखाता हूँ. टिल दैट हैव Patience and stay tuned and मेरा ऐसा ही ब्रेकफास्ट होता है जब अकेले रहते हो तो आप लोग समझ ही सकते हो, यानी कुछ बना के खा नहीं सकते इतना जल्दी में. और चैपलिन अपना मस्त मोला लाइफ. चैपलिन बाबा की हालचाल. ओ हल्की की हालचाल. पता नहीं ये हल्क को जब मैं नाम लेता हूँ ना वो अपना टेल हिलाता है. देखो अभी मैं नाम लूंगा और टेल हिलेगा. हल्क हल्क
हाँ देखो ये पता नहीं उसको एक सिम्टम मिल जाता है जैसे कि हल्क जी, हल्क की हालचाल हल्क बाबा, वो टेल हिला के बोलता है, अभिवादन करता है कि भाई हाँ जी बोलिए। सो ये एक चीज़ अच्छा है, बाकी चार्ली तो सोया हुआ है, वो अभी टायर्ड है पता नहीं क्यों। एंड दूसरा चीज़ ये कि रात का 10 o'clock बज रहा है और मैं बाहर से खाना खा लेके आया हूँ, मैंने खाया नहीं हूँ आज। बेरा ढाबा से मैं क्या लाया हूँ, वो गोभी का गोभी चिली लेके आया हूँ, चिली गोभी दिखाता हूँ, वो सब चीज़ें टिल दैट वो खा के आप लोग से और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ। मज़े लीजिए। होता है ना कि हर संक्रांति खाना बंटन होता है और सब आके खाते हैं। सो वहाँ पे मैं खाने गया था, आफ्टर दैट काफ़ी लेट हो गया था, सो मैं बस आया और सो गया। आप लोगों को मैं कुछ विजुअल्स डाल दे रहा हूँ, वो सब देख सकते हो आप लिटरली। देन देर इज़ नथिंग मोर टू सो यू गाइस एंड बस मैं घर पे आके सो गया। तो ये वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। टिल दैट टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड, स्टे ट्यून फॉर मोर ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स। हाँ, काफ़ी लंबे अरसे के बाद ब्लॉग आ रहा है बिकॉज आई वाज इन डेंगू, यू गाइस अंडरस्टैंड एंड रिलेट। मैं इतना कुछ नहीं बनवाया हूँ इस बार, लेकिन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि देर इज अ थिन लाइन बिटवीन यू आर नॉट फीलिंग वेल एंड यू आर फीलिंग वेल। सो ऐसा सीन था, इसीलिए मैं ब्लॉग से काफ़ी दिन दूर रहा हूँ। कुछ और इंटरेस्टिंग होता है दिखाते हैं। टिल दैट हैव फन एंड इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल दैट टेक केयर।